नमस्कार, मैं संदीप बिछारिया चित्रकूट की इस धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आ पहुँचे हैं वहाँ जहाँ से निकलती है विश्व की पहली नदी। परमपिता ब्रह्मा ने यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोकर जो जल इकट्ठा किया था अपने कमंडल में, उससे निकली थी विश्व की पहली नदी। यह ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड वो जहाँ स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने श्री हरि विष्णु के चरणों से निकले हुए जल को एकत्र कर एक धारा के रूप में परिवर्तित किया और यह विश्व की पहली नदी बना। यह स्थान कामतगिरी परिक्रमा मार्ग पर चिकनी मंदिर के आगे और साक्षी गोपाल मंदिर के पहले नीचे दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर पर पड़ता है। इस स्थान की चट्टानों की बनावट बहुत पुरानी है और लोगों की मान्यता ये है कि इस ब्रह्मकुंड में आकर अगर उनके पूर्वजों की अस्थियों को ढाल दिया जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चित्रकूट में आज भी इसे बहुत ज़्यादा श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ देखा जाता है। यहाँ पर आने पर मनोरम दृश्य लोगों को देखकर अपने सुध-बुध खो बैठते हैं। कामतगिरी के दर्शन यहाँ से अत्यंत ही आकर्षक और विचित्रता के साथ होते हैं। लोग यहाँ पर आकर कामतगिरी के दर्शन कर साथ में विश्व की पहली नदी का आनंद लेकर भाव विभोर हो उठते हैं। उनके मुंह से जय श्री राम और जय कामतानाथ अपने आप निकलने लगते हैं। विश्व की पहली नदी है, इसका नाम पयस्विनी है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जो बूंदें इकट्ठा हुई थी प्रभु श्री हरि के चरण कमलों की, उनसे छलकी कुछ बूंदें यहाँ से निकली और वह आगे जाकर रामघाट पे मंदाकिनी नदी से मिली। मंदाकिनी वह नदी है जिसे माँ अनसुईया ने अपने 10,000 साल के तप बल से प्रकट किया था। आइए हम कथा सुनाते हैं आपको पयस्विनी की। पयस्विनी का महात्म जब हम पढ़ते हैं वह चित्रकूट महात्म में, तो उसमें मालूम चलता है कि विदेहराज जनक अपने पूर्व जन्म में सुदामा नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह पथभ्रष्ट हुए, उन्होंने आखेट करना चालू किया और जंगली पशुओं को मारकर उनको खाना भी चालू कर दिया। उन्होंने मदिरा का भी सेवन चालू किया जिससे उनको पाप से युक्त मान लिया गया और उनका यही कहीं प्राणांत हुआ। किसी जंगली हिंसक पशु ने उनको मार दिया। किसी तरह से उनकी अस्थियां इस ब्रह्म कुंड में आकर समाहित हो गईं और यहां समाहित होने का परिणाम यह मिला कि वह अपने अगले जन्म में विदेहराज जनक हुए। लेकिन चित्रकूट हमेशा दोबारा जरूर बुलाता है। यह हर व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा जरूर आने को विवश करता है, इसलिए उन्हें चित्रकूट दोबारा आना पड़ा। यहाँ माँ जानकी अपने पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ जब आई तो वह वनवासी रूप में थी और जनक सुता को वापस लाने के लिए, मिलने के लिए विदेहराज जनक मिथिला से बिना कोई मुहूर्त निकाले हुए चल पड़े और उनका रथ सीधे चित्रकूट में आकर रुका। यही पास में भरत जी से उनकी मुलाकात हुई और उस मंदिर को भरत जनक मिलाप मंदिर कहते हैं। दोबारा आके उन्होंने स्नान किया, यहाँ पर रहे, यहाँ पर पूजा अर्चना करी। अभी हाल के दिनों में यह नदी पूरी तरह सूख चुकी है। हमारा सबका दायित्व है कि इसमें लगकर जुटें और इस नदी को, इस पावन जल को दोबारा से जिंदा करें। एक बात और भी है, यहाँ के आसपास के 50-60 गांवों के लोगों का मानना है कि अगर उनकी अस्थियों के कुछ अंश इस ब्रह्मकुंड में आते हैं तो उनके पितरों को भी पूरी तरह से मोक्ष मिल जाता है। धन्यवाद।